मैडम मत मारो, छोड़ दो हमें। आज के बाद किसी बड़े आदमी की धमकी मुझे मत देना, और ये मत समझना कि मैंने तुम दोनों को छोड़ दिया है। एक ना एक दिन तुम दोनों जरूर मेरे हाथ आओगे। अब जाओ यहाँ से। जमींदार साहब, हमने बहुत कोशिश कर ली लेकिन ये कागजों पर अंगूठा लगाने के लिए तैयार नहीं है। रजिस्ट्रार ऑफिस में मेरी बात हो गई है, इसको ले जाओ और जबरदस्ती अंगूठा लगवाओ। जमींदार साहब, मुझ जैसे गरीब किसान पर इतना बड़ा अन्याय मत कीजिए। और सुन, उस नई दरोगा को भी फोन लगा, उसको यहीं पर बुला, वो पंचनामा भर देगी कि इसने अपनी सारी जमीन हमारे नाम कर दी है। जी जमींदार साहब। हेलो, सुनिए दरोगा साहिबा, जल्दी से आप जमींदार साहब की हवेली पर आ जाइए। ठीक है। सुनिए जमींदार साहब, अब तक मैंने आपकी बहुत सहन कर ली लेकिन अब मैं बिल्कुल भी सहन नहीं करूंगा, आपके खिलाफ आवाज उठाऊंगा। आज तक जमींदार साहब के सामने किसी ने ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत नहीं की, और तू कल का लौंडा मेरे सामने बोलेगा? बस जमींदार साहब, बहुत हो गई तुम्हारी तानाशाही, अब गरीब किसानों पर तुम्हारा जुल्म और नहीं चलेगा। सुनिए दरोगा साहिबा, आप हमसे पैसे लेती हो इसलिए हमसे ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकती। बहन तू, और वो भी यहाँ पर, और इस पुलिस की वर्दी में। मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, सब जगह ढूंढा, तेरे फोन भी ट्राई किए। ओए, ये क्या बोल रहा है तू, ये कैसे तेरी बहन हो सकती है? हाँ जमींदार साहब, ये मेरे बड़े भाई हैं, और मैंने कसम खाई थी कि जब तक मैं पुलिस इंस्पेक्टर नहीं बन जाऊंगी मैं घर वापस नहीं जाऊंगी। अरे दरोगा साहिबा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप इनकी बहन हो। अब हम ना आपके भाई को छोड़ देंगे और तुमसे एक भी पैसा नहीं लेंगे, लेकिन हाँ, हम लोग साथ में मिलकर काम करेंगे। नहीं बहन, इन जमींदार साहब ने मुझ पर बहुत अत्याचार किए हैं, तुम इनका साथ कभी मत देना। भाई तुम चिंता मत करो, मैंने इन जैसे लोगों को सबक सिखाने के लिए ही ये वर्दी पहनी है। अरे दरोगा साहिबा, ये तुम क्या बोले जा रही हो, अभी तुम हमारी पावर के बारे में नहीं जानती हो। बहुत देख ली तेरी पावर, अब तू इस वर्दी की पावर देखना। चल मेरे साथ चुपचाप, और तुम लोग भी चलो।